is obviously very, very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been. You know, this is something which was always a dream, and it's, you know, the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I knew that when everything came down to me at the end. Just very, very happy for the group and. हार्दिक पिछले कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं था, बहुत टफ है आपके लिए। वहां से ये जो आपको लग रहा है कोई ऊपर वाला आपके स्क्रिप्ट लिखा है? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को एक पर्सन पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और यू नो चीज़ें जवाब दे सकती हैं। और मैंने वही जब जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, दैट यू नो आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। मतलब मैं ग्रेस पे बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर you know our fans or anyone everyone else to learn as well that you know irrelevant kya ho life mein ek tarika ek I think ek behtar tarika bhi dhoondna padega apni country mein aur I'm sure wo same log kafi khush honge aur bas bahut zyada kuch karne ke liye abhi jab wo aap aakhri over dal rahe the to can you just tell us ki aapke mann mein kya jaa rahi 2016 mein bhi aapne aakhri over dala tha aaj yahan aakhri over dal rahe the Did you actually feel the pressure कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके? Or do you enjoy? Because I get to see that you always enjoy taking these kind of moments. I think मैं, if I be very honest, to same time I think I was enjoying it because ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। Obviously यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। यू नो पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था, और बोलते मैंने पहले ही बोला था यू नो लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सब नीचे रखूं और हंसते रहूं, और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक। सो जीरो भी किया हो तो मैं खुश होता, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर जब तक टीम जीत रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कुछ मैटर नहीं कर रहे डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अच्छा करो और आपकी टीम अच्छा कर पाए वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। और ऑब्वियसली जहाँ जब जब भी मौका मिला मुझे यू नो इट वाज ग्रेट दैट आई वाज एबल टू डू समथिंग कंट्रीब्यूट कर पाए। और हमेशा आई थिंक मैंने क्रिकेट मेरा हमेशा ऐसे ही खेला है, जब भी मौका मिलता है आप करो, छोटा भी अगर रोल हो, अगर एक ओवर भी डालना है आपका बेस्ट एक ओवर डालने की कोशिश करो, उसमें मोमेंट्स बनते हैं। आई थिंक वो भी आज भी वैसा ही था, कोशिश थी कि एक बढ़िया ओवर डाले सिचुएशन के हिसाब से, और आई थिंक वहाँ से गेम चेंज हुआ और जहाँ थे वहाँ से जीत गए। हाउ डू यू लुक एट द रोड अहेड, दो लेजेंड्स ने आज रिटायर किया है टी20 से, यू आर एक्सपेक्टेड टू लीड द साइड, कैसे देखते हैं 2026? आई मीन 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक very very happy for Roh and Virat, it has been I think very special, you know, two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket who I think thoroughly deserved this, and it's been so amazing playing with them for so many years in this format, and obviously we all will miss them, but at the same point of time I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group we can give them. I mean, they have been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but
definitely you know, very very happy for them to end like this and you know, enjoy and keep this memory for the rest of the life. Thank you, you always for the birthday gift. Huh? Dhoni, maine abhi social media pe likha, thanks for the birthday gift. Welcome. Hardik. Thank you, sir. Thank you.